नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। शासन और प्रशासन की तरफ से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों को उनके गृह क्षेत्र भेजने का सिलसिला लगातार जारी है। आज फतेहाबाद के भट्टूकला में बस स्टैंड में बड़ी संख्या में मजदूरों का जमावड़ा लगा। प्रवासी मजदूर अपने घर जाने के लिए अपना सामान लेकर सुबह से ही भट्टू बस स्टैंड पर जुटना शुरू हो गए थे। इसमें अधिकांश लोग बिहार इलाके के जाने वाले हैं। एक अनुमान के मुताबिक 1000 से अधिक मजदूर यहां पर एकत्र हुए। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बावजूद प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही यहां देखने को मिली। मजदूर बड़ी संख्या में टोलियां बना करके बस स्टैंड के परिसर में बैठे दिखाई दिए, जिसमें स्पष्ट रूप से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। इसके साथ ही यहाँ पर प्रशासन की एक और कोई भी व्यवस्था नहीं की गई थी और न ही कोई प्रशासनिक अधिकारी व सुरक्षाकर्मी बस स्टैंड के परिसर पर दिखाई दिए। प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही किसी बड़े जोखिम का सबब बन सकता है। एक तरफ प्रशासन और प्रशासन की प्रणाली मजदूरों के उनके गृह क्षेत्र पहुंचाने के लिए दिन रात एक किए हुए है, तो वहीं प्रशासनिक अधिकारी की लापरवाही सरकार की इस बड़ी मुहिम पर भारी पड़ सकती है। इस मामले में जब नोडल अधिकारी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि ये मामला मेरे संज्ञान में नहीं आया, अगर कहीं लापरवाही दिखाई देती है तो निश्चित तौर पर जांच की जाएगी। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। यहाँ पे काम हो गया, यहाँ पे कोई काम नहीं, तो यहाँ 15-20 दिन से बैठे हैं। रोटी यहाँ कौन देगा खाने के लिए? जा रहे हैं गाँव हम लोग, यहाँ नहीं रहना चाहते हैं। काम धाम भी कुछ नहीं है, नहीं मिल रहा, रोटी मिल रहा है, काम मिल रहा है, कोई काम नहीं है। हम सब घर जा रहे हैं, ठीक है, घर दे चाहे। हम लोग को यहाँ पे काम नहीं है तो गाँव तो देना ही पड़ेगा ना, बैठ के कितने रोज खाएंगे। संज्ञान में कोई फेलियर नज़र नहीं आया। हम जो माइग्रेंट लेबर है बिहार की, उसकी एक ट्रेन हमें मिल रही है हिसार से। उस ट्रेन में भर के जितने लोगों ने हमारे ऑनलाइन सरल हरियाणा पोर्टल पे अप्लाई किया था, उन लोगों को हमने बुलाया है। उनकी यहाँ पे सबका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट हम देंगे और बिल्कुल जो फिट लोग हों उन्हीं को भेजेंगे। अगर कोई सस्पेक्टेड या संक्रमित नज़र आता है या कोई खांसी जो उसको हम नहीं भेजेंगे, उसको हम जो उसका सैंपल भी लेंगे और उसकी जो है ना क्वारंटाइन करेंगे। सर जो लेजिट लोग हैं उनको हम भेजेंगे। प्रवासी मजदूरों को भेजने का काम जो है पूरे देश में इधर से उधर चल रहा है। लेकिन सर जो चीज़ें नज़र आई हैं, भट्टू जो बस स्टैंड है वहाँ पर किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी या स्क्रीनिंग या और जो सोशल डिस्टेंसिंग है वहाँ उसका ख्याल नहीं रखा गया? बहुत सारे लोग टोलियों में खड़े थे। नहीं, वो वहाँ अनाउंसमेंट करनी चाहिए थी, उनको अगर नहीं किया तो मैं इस बात का संज्ञान लूँगा। बाकी जो है ना सोशल डिस्टेंसिंग हम पूरा ख्याल रख रहे हैं, हमने डेरों में भी पूरी व्यवस्था कर रखी है और ट्रेन में भी सोशल डिस्टेंसिंग हिसाब से बिठाते हैं, बस में भी हम 30 लोग ही बिठाते हैं, बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हैं। जहाँ तक बात है इसकी, तो मेडिकल टेस्ट के बिना तो हम किसी को भेजते ही नहीं है, तो ऐसी कोई शिकायत नहीं आई। ट्रेन के माध्यम से सर कितने मजदूर? एक ट्रेन में 1200 लोग बैठते हैं। अभी तक कितने माइग्रेंट्स को आप भेज चुके हैं? अभी तक हम तो अभी कैलकुलेटिव फिगर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन हम करीब 2 से 2500 लोगों को भेज चुके हैं। ठीक है, थैंक यू।